आपके सामने और रफात, लेकिन वहां संभाल लिया गया शहजाद जमाली, हल्का सा पुश किया और तैयब भाई जायका दरबार, दानिश भाई जायका दरबार में आपका वेलकम कर रहा हूं। फातिमा हॉस्पिटल बिलरियागंज आपका भी शुक्रिया, अतहर की बड़ी खूबसूरत सर्विस, अच्छा पास किया गया और यहां पे बेहतरीन अंदाज में अपने काम को अंजाम देना चाहा, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि ये लबाल का स्कोर है, लबाल का स्कोर एक है। और फिर आप देख रहे हैं कि बेहतरीन मुर्शिद जो लाइव मुकाबला दिखा रहे हैं दोस्त, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मसरफ भाई अपना 500 रुपए की नाम लें, ये मिर्जा रिजवान बेग चाजी लाल, आप उनका मसरफ भाई शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो रिजवान साहब जहाँ रहेंगे ये माला माल कर देंगे। मुर्शिद भाई आपको भी 500 रुपए की नाम मिला है मिर्जा रिजवान बेग साहब की तरफ से जो लाइव मुकाबला आप दिखा रहे हैं, और ये मुर्शिद भाई अपना इनाम लें। और अमित कमेंट्री करने की मिर्जा रिजवान साहब 500 रुपए की नाम दिया है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जीरो और दो के स्कोर पे जीरो दो का स्कोर खूबसूरती के साथ एक बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ये मुकाबला आपके सामने। तो जीरो के स्कोर पे मुर्शिद भाई अपना इनाम आके ले जाए दोस्त, ये 500 रुपए की इनाम आपका है। विपिन सिंह एसआई सरायमीर में आपका वेलकम कर रहा हूँ। नाजिम भाई से मिले और नाजिम भाई आपसे ले, नाजिम भाई अब आपसे ले शेरू बैरिडी और पॉइंट यहां पे मिला है 3-0 का स्कोर। ये मिर्जा क्लब खंडवारी बेहतरीन गेम शो करा है। एक बेहतरीन मैं देख रहा हूं प्रहार किया शहजाद जमाली, सर्विस कोचिंग 94 कामयाब, सर्विस कोचिंग 94 कामयाब 4-0 के स्कोर पे। अतहर सर्विस करने का तैयार, बेस्ट ऑफ 3 सेट 15.8 सेट। ये मिर्जा क्लब खंडवारी टीम अपने गेम को शो कर रही है। यहां पे एक बेहतरीन प्रहार खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं और बैक से हल्का सा क्रॉस कर दिया, वहां पर तालबे संभाला है और एक मरतबा फिर तेज प्रहार करने का चक्कर कामयाब हुई है। यहाँ पे सर्विस कोचिंग 94 में 0-4 के स्कोर पे, 0-4 के स्कोर पे ये मुकाबला आपके सामने चलता हुआ नजर आ रहा है बेहतरीन अंदाज में। आसिफ तुसर आजमगढ़ का शोकराय कहा जाता है, बहुत खूबसूरत खिलाड़ी आसिफ भाई बेहतरीन खेल दिखाते हैं। एक मरतबा फिर लंबा क्रॉस किया, संभाल लिया, खूबसूरत डिफेंड किया गया। यहाँ पे फिर मोहसिन लेकिन कामयाबी क्रम चूम ली। यहाँ पे स्कोर का आगाज हो रहा है 1-4 खंडवारी कप का ये मुकाबला, खंडवारी कप का ये आज पहले राउंड का, इसके बाद शुरू हो जाएगा सेमीफाइनल।
इसके बाद शुरू होगा दोस्त सेमीफाइनल मुकाबला। तो कमेटी इस चीज की तैयारी कर ले कि पहला सेमीफाइनल किससे होगा, उसका अनाउंसमेंट करवा दे क्योंकि टीमें तैयार हो और मैच रुकने नहीं चाहिए। और मोहसिन किस तरह से खेला है, सर्विस को चेंज कराने में कामयाब 4-1 के स्कोर पे। ये खंडवारी कमेटी, तीन टीमें अब तक आ चुकी हैं, बैरिडी, नायाब ज्वेलर्स और अल हुमैरा गारमेंट, ये तीन टीमें हैं, चौथी टीम अंतिम चार में आने वाली है। तो ये सब चीज का सेटअप आप लोग कर लें और फिर यहाँ पे खूबसूरत डिफेंड किया गया अतार के द्वारा, फहीम ने संभाला और ये सईद आलम लंबा क्रॉस किया खूबसूरती के साथ और डेड ब्लॉक यहाँ पे राजिक का, लेकिन टच आउट कराने में कामयाब हुए, सब इसको चेंज कराने में कामयाब 1-4 के स्कोर पे। 1-4 के स्कोर पे साउंड सिस्टम फिर आपकी दोस्त आवाज लगने लगी है, तो जरा से अपनी आवाज को दुरुस्त करें, आप लोग सो रहे हैं इतना ज्यादा तो कैसे काम बनेगा। ऐसे यहाँ पे टच आउट करने में कामयाब हुए, सब इसको चेंज किया 4-1 के स्कोर पे। सोचते हुए अपने खेल को 4-1 का स्कोर, सोच समझ के अपने काम को अंजाम देना होगा। अतहर की बड़ी खूबसूरत सर्विस, अच्छा पास 3 नंबर का, पैकर को अब मैच जा रहा है, राजी का है, तेज प्रहार किया बट अवे। एक और पॉइंट, 5-1 का स्कोर, मिर्जा क्लब खंडवारी 5 और लखनऊ की टीम यहाँ पे 1 पॉइंट बनाकर खेल रही है। मिर्जा क्लब खंडवारी गुड गोइंग, एक बेहतरीन सर्विस खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं कि ये मुकाबला आपके सामने चल रहा है और फिर इस मरतबा कामयाब हुए सर्विस को चेंज कराने में 1-5 के स्कोर पे। एक पांच शहजाद जमाली का अच्छा पास नहीं, हल्का सा क्रॉस किया गया और कदम चूम ली और सैयद की कामयाबी, सर्विस चेंज हुई 5-1 के स्कोर पे। खंडवारी कप, तो इस मुकाबले में मैं देख रहा हूँ मिर्जा रिजवान बेग, शाहिद सिंधी, हातिम और मुबस्सिर जमाल, कलीम महाप्रधान और कलीम शेरवानी महाप्रधान प्रत्याशी, ऐसे लोग इस मुकाबले में 4 चांद लगा रहे हैं। तो मुबस्सिर जमाल साहब अब यहां से जाना चाह रहे हैं, तो कमेटी उनका शुक्रिया अदा कर रही कि आप वक्त दिया यहां पे आए, अब जा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुबस्सिर जमाल महाप्रधान प्रत्याशी हल्का राजापुर सिकरौर, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए खंडवारी कप में। ये खंडवारी की कमेटी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। 1-5 अच्छी सर्विस, खूबसूरत पास वहां पे, सईद आलम आए, बेहतरीन प्रहार किया और सर्विस को चेंज कराने में कामयाब हुए 5-1 के स्कोर पे। तो बेहतरीन मुकाबला आपके सामने दोस्त चलता नजर आ रहा है, एक दिलकश अंदाज। ये बड़ी खूबसूरत सर्विस थी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दबाए गए और ये 1-6 और एक हासिम भाई सिटी बिल्डर सब्बू भाई और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग इस वामिन के साथ जुड़े हुए हैं। 6-1 का स्कोर, बेहतरीन खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर क्लॉक को मैं देख रहा हूँ कि तोड़ने में कामयाब, सर्विस को चेंज कराने में कामयाबी 1-6 के स्कोर पे। एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने दोस्त चल रहा है, इसके बाद चला जाएगा सेमीफाइनल, इसके बाद होगा सेमीफाइनल, फिर होगा फाइनल और ये बहुत खूबसूरत अंदाज में मुकाबला आपके सामने चल रहा है दोस्त। और ये बेहतरीन प्रहार किया मोहसिन और सर्विस को चेंज करने में कामयाब है 6-1 के स्कोर पे। सब्बू भाई मैं देख रहा हूँ किस मुकाबले को देख रहे हैं, संजयपुर आपका भी शुक्रिया। एक और 6 का स्कोर, कुछ सोचते हुए मैं देख रहा हूँ कि अपने खेल को दिखाने की कोशिश। लवली स्मिथ, वंडरफुल हैंड भाई सईद आलम, बेहतरीन मैं देख रहा हूँ स्मिथ किया। हारिस सईद आलम किया था या वसैद? सईद आलम ने स्मिथ किया था। सिराजपुर हारिस पहुंच जाए दोस्त। मिर्जा रिजवान बेग
साहब की तरफ से ये 500 रुपए के इनाम सईद आलम को आया है। अच्छे इस मेज करने पे सईद आलम को यहाँ पे 500 रुपए के इनाम। मिर्जा रिजवान बेग खंडवारी छाजी लाल आतिफ कलेक्शन के मालिक है दोस्त, बड़ा इनाम, बहुत इतने इनाम कम लोग तकसीम करते हैं। जो इनाम मिर्जा रिजवान बेग ने यहाँ पे तकसीम किया है और ये बेहतरीन दिलकश अंदाज में हल्का सा क्रॉस करना चाहिए लेकिन संभाल लिया गया। एक मरता फिर आप देख रहे हैं कि तेज प्रहार, अच्छा ब्लॉक किया गया वहां पे औसैद का और ये लंबा क्रॉस करना चाहा और एक मरता फिर एक बेहतरीन हल्का सा ड्रॉप दिया था वहां पे और गए समझ चुकी है एक मरता फिर किसको आजमाएंगे और हल्का सा फिर वहां पे दबाए गए। एक बेहतरीन मुकाबला मेरे ख्याल आपके सामने चल रहा है। शहजाद जमाली आए, तालिब ने अच्छा वहां पे डिफेंड किया और तालिब ही आजमाया जा रहा है लंबा इसमें इसका बैठे तालिब स्कोर यहाँ पे 8-1 8-1। पहला टाइम आउट सोच टीवी अपनी गेम को शो कर रही है। तो दोस्त हमारे साथ इस कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए हैं शाकिर फराही, जो भी आपको अरबी में कमेंट्री वाली वाल की सुनाएंगे तो अरबी कमेंट्री सुनने के लिए आप तैयार रहें। तो जो लोग फॉरेन में होंगे वो तो अरबी जबान को बड़ी आसानी के साथ समझेंगे और लाइव दिखाया भी जा रहा है। तो अभी हमारे बीच कुछ ही छह में जुड़ने वाले हैं शाकिर फराही अरबी कमेंटेटर आरिफ। यहां पे मैंने कहा आसिफ सर्विस करने के तैयार 2-8 के स्कोर पे। एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने, अच्छी सर्विस, शहजाद जमाली का अच्छा पास नहीं था और मोहसिन को आजमाया गया, टच आउट करने में कामयाब हुए। मोहसिन सर्विस को चेंज किया 8-2 के स्कोर पे। मिर्जा रिजवान बेग उर्फ छाजी लाल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि जब हाथ में कलम था तो अल्फाज ही न थे, जब लफ्ज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए। वही नाम मिर्जा रिजवान बेग का है कि इतनी इनामों की बरसात यहाँ पे किया है और उनको देखकर मैंने ये भी कहा था कि इस मरमरी बदन पे जो उजला लिबास है ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल मेरे पास है। अरबाज जमदहा फैसल से कमेंट्री बॉक्स के पीछे मिलने, दोस्त मिलने मिलाने का काम अभी मत करें, अभी मैच देखें, बहुत अच्छा मैच मुकाबला होने वाला है। और मिर्जा रिजवान बेग का शुक्रिया कह रही है कमेटी, स्कोरर, अंपायर और दोस्त ये जबरदस्त मेरे का मुकाबला। अब मैं सीधे आपको जोड़ रहा हूँ शाकिर फराही से जो अरबिक में कमेंट्री करते हैं। शाकिर फराही जी शुक्रिया अफगन भाई, तो मैं देख रहा हूँ इस वक्त तो लखनऊ का स्कोर है 2, मिर्जा क्लब खंडवारी है 10। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे बीच मौजूद है मिर्जा रिजवान बेग उर्फ छाजी लाल, वो ये कहकर निकले हैं कि सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, ये चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, ये चांद पागल है कि अंधेरे में निकल पड़ता है। मिर्जा रिजवान बेग के हौसले को देखो, मिर्जा रिजवान बेग के हौसले को देखो, खंडवारी की एक आवाज पर लब्बैक कहकर घर से निकल पड़ता है, खंडवारी की एक आवाज पर लब्बैक कहकर घर से निकल पड़ता है। तुम मैं देख रहा हूँ ये कह रहे हैं मिर्जा रिजवान बेग कि कहीं पे राम लिखा है कहीं रहमान लिखा है, कहीं पर राम लिखा है कहीं रहमान लिखा है, कहीं लिखा है गीता कहीं कुरान लिखा है। हिंदू और मुसलमान कहकर हमें बांटने वालों, हिंदू और मुसलमान कहकर हमें बांटने वालों, हमारे दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है, हमारे दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है। तो मैं देख रहा हूँ इस वक्त इसको मैं अपने स्कोर पर ध्यान दे, यहाँ पर वॉलेंटियर और कमेटी के तमाम लोगों की गुजारिश है कि अरबिक में कमेंट्री कर दी जाए। जनाब मिर्जा सादाब बेग, मिर्जा नदीम बेग, मिर्जा अंबिया वसीम निगवा तमाम लोगों के पास पहुंच जाए, वसीम निगवा अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाए। हाँ शाकिर, तमाम लोगों की गुजारिश पर यहाँ पर मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि शाह अफगन और मोहम्मद हारिस साहब कमेंट्री से जुड़े हुए हैं
और अरबी कमेंट्री की मांग किया है मिर्जा सादाब बेग, मिर्जा अंबिया, मिर्जा नदीम बेग, मोहम्मद आरिफ खान, क्लासिक कलेक्शन सरायमीर, ये तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो आप लोग स्कोर मैन अपने स्कोर पर ध्यान दें, क्योंकि मैं अरबिक में कमेंट्री करूंगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, ये सारे टूर्नामेंट आजमगढ़ के अरब ममालिक में रहते हुए लोग वहां से रूबरू है, देखते हैं। तो मैं अरबिक लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि अरबिक में कमेंट्री होती है तो आजमगढ़ में कहाँ पर क्या खेल हो रहा है अरबिक में, वो लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। फर्जिया कप में मैंने जो अरबिक में कमेंट्री की थी, वहां पर 5 मिलियन व्यूज हुआ था। उस वीडियो को अरबिक लोग अपने स्टेटस और यहाँ पर टिकटॉक पर लगाए हुए थे अरब ममालिक में। हाशिम प्रधान अब जैद से मिले कमेंट्री बॉक्स में, हाशिम प्रधान। तो मैं देख रहा इस वक्त मिर्जा क्लब खंडवाली 14 पर है, तो लखनऊ है 2 पर। तो सामने साइड जो बच्चे, सामने साइड जो प्लीज, आसिम भाई बच्चों को हटा दो, नदीम, मिर्जा नदीम सामने से बच्चों को हटा दो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा सामने से हट जाए और इस स्कोर में ध्यान दें।